इंसाफ चाहिए। मुझे मेरा भाई ने घर में से निकाल दिया। मेरी शादी होने के बाद में जब से मैं यहाँ पर नहीं आई, जब से मेरे भाई ने हमें टॉर्चर करके हमारे पूरा सामान जितना घर में था, मेरे भाई का, मम्मी का, सबका था, पूरा निकाल के फेंक दिया। कुछ भी अभी हक नहीं रखा हमारा, कुछ भी नहीं है। हम लोग रोड पे, मैं मेरा भाई बचपन से रोड पे, मेरी मम्मी छोड़ के गई जब से, हम लोग रोड पे ही थे और काम पर भी नहीं है। अभी हमारा आग हमारे को दे रहे नहीं, और हमारा सामान हमारे को बोल के भी नहीं निकाले। अभी हमारा सामान पूरों को अच्छा करे, हमारे साथ कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं करे। बस इतने बोलना चाह रही हूँ कि हमारा इंसाफ कोई तो भी करो। सरकार कंप्लेंट लिखा है आप? लिखा है कोई भी कुछ कंप्लेंट लिखा है? दूधबौली में। दूधबौली में क्या क्या चोरी हुआ आपका? मेरे छोटे छोटे कंबल और मेरे कपड़े, मेरे डैडी के कपड़े और मेरा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पूरा जितना सामान रहता वो पूरा, मेरा पैन कार्ड भी घुमा दिए। कुछ भी नहीं। 8 तारीख को हुआ सर, चोरी कर लिए, कुछ भी नहीं दिखा रहे। हमारा कुछ प्रूफ ही नहीं रहा ना, हम लोग अब ये घर में हमारा कुछ अब वजूद ही नहीं रहा। पूरा जितना था वो पूरा निकाल के फेंक दिया। अभी कोई भी बोल रहे कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करना सर, आप ही बोलो सर। आपके भाई का नाम क्या है? के सुमन कुमार, और छोटे भाई का नाम टिंकू, के टिंकू। वो दो जने मिलके मेरा सामान पुराना पुल पारदीवाड़े से निकाल के बाहर फेंक दिए। आपका खुद का भाई है वो? नहीं, चाचा का बेटा है, बड़ा बेटा। लेकिन चोरी करा साबुन, कुछ भी नहीं, खाली चोरी करा, पूरा निकाल के सामान बाहर डाल दिया। उसमें का एक आइटम नहीं मिला, खाली बस अनमारी बाहर है। और हमारा अभी कुछ है नहीं। अभी मेरी बेटी का भी फ्यूचर बनाना, मेरे कने बेटी अभी स्कूल डालना, वो करना, मेरे कने भी तो प्रूफ पूछते ना। जब मैं कहाँ से लाऊँ सर? कुछ रहने वाले आपके चाचा का लड़का यहाँ बाजू में पुराना फुल पारदीवाड़ा, वहाँ पहले क्या कि वहाँ रामचंद्रपुर में रहते थे हम लोग छोटे थे, जब हमारे मम्मी हमारे डैडी गुजर जाने के बाद वहाँ ही थे। अभी हमारे डैडी गुजर जाने के बाद पुराना फुल में आके हक जमा रहे। वो घर में हम लोग पहले आते थे, जाते थे, रहते थे। जब से उन लोग आए, हम लोगों को जाने दे रहे ना, कपड़े निकालने देना, कुछ दे रहे। अब सेटल ही हमारे काकी उन लोगों का फ़ोन करके बुलाए कि तुम्हारा सामान निकल गया, बोले तो कंप्लेंट दिए। लेकिन अभी तक वो चोर पे कुछ इंजाम नहीं डाल रहे, कुछ नहीं डाल रहे, खामोश बैठे हुए सर्कल साहब सब लोग।